चलिए दिल्ली के विज्ञान भवन चलते हैं, जहां पर आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है। भविष्य के भारत पर शुरू हुई इस चर्चा को संबोधित करते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कांग्रेस और आरएसएस का मतलब वहां मौजूद लोगों को बताया है। भागवत ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था, लेकिन आज जो हालत है बताने की जरूरत नहीं। एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है। सत्ता किसकी है, इसका क्या महत्व है, लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए, और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए, और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है। देश का जीवन आगे चलता है तो राजनीति तो होती ही है, आज भी चल रही है। अब वो सारे देश की एक राजनीतिक धारा रही नहीं, अनेक पार्टियां, अनेक दल है, और अब उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप समझ लीजिए क्या है, कैसा है, आप देख ही रहे सारी बात। अगर देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली मोहल्ले में स्वतंत्र भारत के आज के नागरिक का जैसा आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण करने वाले, हर परिस्थिति में उसको न छोड़ने वाले, उस पर अड़े रहने वाले, चारित्र्य संपन्न संपूर्ण समाज से अपना आत्मीय संपर्क रखने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तो उस वातावरण में समाज का आचरण बदलेगा। संघ की यह योजना है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में अच्छे स्वयंसेवक खड़े करना। अच्छे स्वयंसेवक का मतलब है जिसका अपना चारित्र्य विश्वासास्पद है, शुद्ध है, जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है, ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो, ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।